जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बीते 24 घंटों में 30 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है ये। ऑक्सीजन की कमी की बात अस्पताल की तरफ से की गई थी, हालांकि अब ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर दी गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कोरोना से संक्रमित 30 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई। सर गंगाराम अस्पताल का यह पूरा मामला है। बीते 24 घंटों में गंगाराम अस्पताल में ये 30 मौतें हुई हैं। दुनिया के लिए ये महज आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सभी उनके परिवार के लिए पूरी दुनिया थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी आज प्रधानमंत्री के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में कहा कि दिल्ली के पास पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा की स्थिति भी बहुत खराब है। दिल्ली और यूपी के बीच फंसे नोएडा में रोजाना कई शव शमशान पहुंच रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में बड़ी संख्या में हेराफेरी हो रही है। नोएडा के तमाम बड़े अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अब उनके यहाँ कोई नया मरीज शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और कोई नई अवेलेबिलिटी है बेड्स के लिए, अगर कोई नया पेशेंट आता है या फिर फुल हो चुका है? हम ले नहीं रहे हैं, थोड़ी क्राइसिस है इसलिए ले नहीं रहे हैं। ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है मैम, ऑक्सीजन सप्लाई का? ऑक्सीजन का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है इस टाइम। काफ़ी दिनों से किल्लत चल रही थी, पर हम किसी तरीके मैनेज कर रहे थे। आज ऑक्सीजन सप्लाई वालों ने हाथ खड़े कर दिए। नोएडा के कैलाश अस्पताल, यथार्थ अस्पताल, प्रकाश अस्पताल और भी कई, सभी का यही हाल है। मरीज अस्पतालों के बाहर खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खड़े हैं। मैं एक छोटा सिलेंडर सुपुर्द कर रहा हूँ हॉस्पिटल को, यह स्टैंड बाई में मेरा रहेगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको यूज किया जाएगा। हर तरफ मजबूरी का साया है, लेकिन सवाल है कि आंकड़ों में हेरा फेरी से आखिर क्या हासिल होगा। अपनी कमजोरियों को छिपा रहा प्रशासन क्या कब तक ये सच छिपा पाएगा। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह हालत बेहद खराब है। यहाँ जिम्मेदारों से भी जवाब लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता के लिए एक मैसेज। कोरोना से आप सभी को खुद अपना बचाव करना है। कोई भी पार्टी या सरकार, मान लो भाजपा सक्षम होती तो मध्य प्रदेश या यूपी में कोरोना नहीं होता, कांग्रेस सक्षम होती तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता, शिवसेना सक्षम होती तो महाराष्ट्र में नहीं होता, केजरीवाल सक्षम होते तो दिल्ली में नहीं होता, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम होते तो ये देश में भी नहीं होता। मुख्यमंत्री सक्षम होते तो उन्हें खुद नहीं होता। अगर पैसों की बदौलत रुक सकता तो अमेरिका में नहीं होता, बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम से रुक जाता तो स्वीडन, फ्रांस या बेल्जियम में नहीं होता। इसलिए कोशिश करिए एक ही बेकार की बहसबाजी में ना फंसे। मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, और हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बाकी आज की पॉजिटिव खबर यह है कि यूके में वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले 85% तक नीचे आ चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए वायुसेना और रेलवे की तैनाती कर दी गई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि भारत में मई जून के बीच वैक्सीनेशन के बाद हम भी कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।